देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और एक खबर टुडे के साथ चुनावी संग्राम। चुनावी आचार संहिता के तहत शस्त्रों को जमा करने के आदेश हैं, फिर भी लोगों के पास अब भी घरों में शस्त्र होने के प्रमाण गोलीकांड की घटनाओं से मिलते हैं। सवाल तो ये भी उठे हैं, यदि लाइसेंस वाले शस्त्र जमा हो गए तो अवैध रूप से शस्त्र लोगों के पास है। मंगलवार को ऐसी ही एक वारदात में भाइयों से मिलने आई बहन की गोली लगने से मौत हो गई। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से रानीपुरा में मंगलवार को सुबह अनहोनी की घटना हो गई। अचानक चली गोली महिला को लगी, जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही परिजन के अलावा काफी संख्या में अस्पताल में भीड़ लग गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और गोली चलने के कारणों की पड़ताल में जुट गई। खबर के मुताबिक मंगलवार को सुबह तकरीबन 11 बजे कांग्रेस नेता अज्जू शेरानी की बहन 40 वर्षीय शाहीन को घर में ही गोली लगी। उसे तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार किया जा रहा था तभी महिला ने दम तोड़ दिया। गोलीकांड की खबर मिलते ही अस्पताल में कांग्रेस समर्थकों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। गोली लगने के कारणों की पुलिस तलाश कर रही है। हालांकि गोली चलने का कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि पारिवारिक विवाद के चलते महिला की गोली मारकर हत्या की गई। शंका भी परिवार के ही एक युवक पर जा रही है। हत्याकांड के बाद से ही उसका मोबाइल बंद होने की चर्चाएं हैं। अज्जू शेरानी और असलम शेरानी की बहन मनावर से एक निकाह में आई थी, जो निकाह के बाद भाइयों से मिलने आई। मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया, आज दोपहर करीब 12:15 बजे जो सूचना मिली है कि एक महिला जो है हिंदी के नाम से, उनको हॉस्पिटल में एक बुलेट वुंड के साथ पहुंचाया गया था। व्हेन शी वाज ब्रॉट डेड डिक्लेयर, जब वो आई थी तभी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घर परिवार वालों से बातचीत करने में तथा साथ में अन्य जो आसपास के सूत्र हैं उनसे पता करने में ये मामला सामने आया कि उनका जो घर है जहाँ वो ठहरी हुई थी, अपने भाई के घर पर आई हुई थी, वहाँ पे घर के अंदर ही उनको गोली लगी है। और जैसा कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है, जो प्रारंभिक जांच में चीज़ें आई हैं, जो पुलिस विवेचना में चीज़ें आई हैं, कि घर परिवार के किसी व्यक्ति के द्वारा वो गोली चली है, वो एक्सीडेंटल है या किस तरह से है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। पर प्रथम दृष्टया जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो फर्स्ट आसपास में मौजूद लोगों ने या घर परिवार के लोगों ने जिस तरह से बताया है कि एक्सीडेंटली एक गोली चली है, और एक प्राइम सस्पेक्ट का नाम भी सामने आया है जो परिवार का ही एक व्यक्ति है, तीजा है। इसमें किसी भी तरह का कोई अन्य विवाद या कोई इसमें, जैसा कि कुछ ग्रुप्स में चल रहा है कि राजनीतिक इसको दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, उस तरह का कुछ भी नहीं है। ये पारिवारिक और एक्सीडेंटल चीज़ अभी तक की जांच में सामने आई है और हम आगे की विवेचना कर रहे हैं। जैसे और जानकारी मिलेगी शाम तक फिर अपडेट करेंगे। सर, किसका घर है ये? इसमें जो पता चल रहा है कि इनका शाहीन भी नाम है और शेरानी परिवार है। इसमें अनवर असलम ये भाइयों का और उनकी बहन है ये जो मृतिका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली असलम का घर जो अभी तक के उसमें जानकारी में पता चला है, और उनके रिश्तेदार में ही किसी व्यक्ति का या बेटे का अभी 2-3 नाम आए हैं जिनमें से कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि एक्चुअल किसके हाथ से हादसा हुआ है, या ये हादसा भी है या किस तरह से, सभी पहलुओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रारंभिक जाँच में यही चीज़ें सामने आई हैं कि जो घर परिवार के व्यक्ति हैं और एक्सीडेंटल पाया गया। सर, ये हथियार कहाँ से आया था, क्या कुछ जानकारी लगी है, लाइसेंसी है या फिर अवैध रूप से है? इसके लिए भी हमने जानकारी निकालने के लिए निर्देशित किया हुआ है, साथ ही साथ उस हथियार की भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही वो चिन्हित होता है हथियार, तो उसमें आगे का कि किस तरह से इनके पास पहुंचा है और कितने लोगों से प्राप्त किया गया है, किन के द्वारा इन तक पहुंचा है, उन सभी पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया है, जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है वो अभी पुलिस के कब्जे में नहीं है। उसके लिए तलाश के लिए 3 अलग अलग टीमें तैनात हैं और जो आसपास के क्षेत्र को सर्च कर रही हैं, सभी पहलुओं पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। सावधान, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर अब जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। एसपी अभिषेक तिवारी के निर्देश पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर रतलाम पुलिस द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। पिछले एक सप्ताह में रतलाम पुलिस 10 के लगभग ऐसे मामलों में एफआईआर कर चुकी है। शनिवार को पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डालने पर प्रकरण दर्ज किया। इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में पुलिस का अब कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। एसपी अभिषेक तिवारी ने मीडिया को बताया,
विगत 7 से 8 दिनों में जो पर्याप्त ऐसे मामले देखने में आए हैं कि कई यूजर्स के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट में आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट किया जा रहा है जो किसी न किसी संप्रदाय या धर्म से रिलेटेड है, अथवा किसी न किसी तरह के ऐसे भड़काऊ मैसेज हैं जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है या स्थानीय क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसे सभी मामलों पर रतलाम पुलिस तत्काल कार्रवाई कर रही है। ऐसे लगभग 10 से अधिक मामलों पर हम FIR कर चुके हैं और कल इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जिसमें कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इस तरह के मैसेजेस आपसी लड़ाई झगड़े या आपसी उन्माद को बढ़ावा दे सकते हैं। मेरी आप सभी के माध्यम से ये अपील है कि जिनकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग एक्टिव हैं, जिनकी भी ग्रुप्स में आप मेंबर्स हैं, उस ग्रुप्स में इस तरह के मैसेज ना तो शेयर करें, और यदि कोई और करता है तो उसको आगे ना फॉरवर्ड करें और इसको तत्काल पुलिस के संज्ञान में लाएं जिससे कि पुलिस उस पर कार्रवाई करे। स्वयं उस मैसेज का जवाब देने से आप स्वयं भी मुसीबत में फंस सकते हैं और आप पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। आपका ये कर्तव्य बनता है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा कोई भी आपत्तिजनक मैसेज हो तो उसको पुलिस के संज्ञान में लाएं। हम लोग आज एक नंबर भी जारी कर रहे हैं जो हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल का है, उस नंबर पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट खींच के वो भेज भी सकते हैं। आपको एक लिखित में कंप्लेंट देने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन कदापि उस मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। थैंक यू। पेंशनर्स की मांगों को जल्द पूरा करने के लिए पेंशनर्स एसोसिएशन ने गुलाब चक्कर में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा, सरकार पेंशनर्स की लंबित पड़ी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। पेंशनर्स का भी समाज में अपना महत्व होता है। पेंशनर्स पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। पेंशनर्स ने मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा। 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां भी पेंशन ले रहा है, पेंशनर वैसे वरिष्ठ नागरिक है, प्रभावशाली है, जनता में भी उसकी पकड़ होती है, पहुंच होती है, लोग पेंशनर का सम्मान करते हैं। तो एक एक पेंशनर अगर 10-10 लोगों को साथ ले ले, जो एक साधारण सी संख्या है, 10-10 लोगों को प्रभावित करे, तो चुनाव प्रभावित हो सकता है। अभी हम चाहे तो पंचायत चुनाव को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ये नगर निगम के चुनाव को, नगर पंचायत को। तो मेरा कहना, शक्ति का प्रदर्शन ऐसा आपको देखना है, आप उसमें लगे रहिए, आप ये सुदृढ़ करिए कि अकेला हमें 1-2 घंटे धरना देने आए, उसके बाद इसको भूल गए तो उससे सरकार नहीं जागने वाली है। सरकार क्यों नहीं जाग रही है कि वो सोचती है कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे पेंशन। तो अपन को शक्ति बल दिखाना पड़ेगा, या सरकार की कुर्सी जब डोलेगी तो डोलेगी कहाँ, जहाँ उसका समर्थन कमजोर पड़ेगा, उसके पार्टी के लोग ही हमारी ओर आ जाएंगे। अभी कुछ समय पहले यशपाल सिंह सिसोदिया ने शासन को एक एक विधायक ने कहा था, तो सरकार चेती थी, लेकिन आप वो वोटशीट भी चली थी, कैबिनेट में भी गया था, वित्त मंत्रालय में जब पहुंचा तो वित्त मंत्री अपना जो देवड़ा है इसने नकार दिया। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।